ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको सॉलिड्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ सॉलिड्स की, जो आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं। नंबर एक पे दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने सबने पढ़ा हुआ अर्ली क्लासेस के अंदर। ये इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिस तरह हम गैसेस को तो कंप्रेस कर सकते हैं ना, इससे हम सॉलिड्स को नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड है। ठीक है, और इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो वेरी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जबकि गैसेज और लिक्विड्स थे उनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ऐसे वक्फे के साथ स्पेसिस होते हैं उनके दरमियान। ठीक है, इस तरह उनके दरमियान क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर बिल्कुल करीब करीब हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, ये तो कुछ बातें थी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ टिपिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, सबसे पहले आती है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट आपने को वैसे ही पता होगा कि जब कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है जिस टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में जब हम किस चीज़ को हीट करेंगे ना पहले, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रह के, यहीं पे रह के ये वाइब्रेट करेंगे, मतलब थोड़ी सी हिलजुल होगी इनके अंदर। ठीक, हलचल होगी इनके अंदर, बिल्कुल अपनी फिक्स जगह पर रहकर ये वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन से ये क्या करेंगे, एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे बाय वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली इसको हीट करी जा रहे हैं, किए जा रहे हैं इसको हीट, पहले तो अपनी फिक्स पोजिशन के ऊपर रह कर वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये अपनी जगह से फ्री हो जाएंगे, कहीं भी मूव कर सकेंगे, क्योंकि हमने इनको इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया है कि अभी अपनी जगह से फ्री हो गए। यहाँ पहले तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये बाइंड थे एक दूसरे का, जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन हमने इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो उनको ये ओवरकम कर लेंगे और ये फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, तो ये था मेल्टिंग पॉइंट, और ये मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ यहाँ पर ये सारा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रिजिडिटी के ऊपर। अब रिजिडिटी क्या होती है, हार्डनेस। और आपको पता है सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स लाइक वॉल, आयरन, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो आपको पता है सॉलिड हैं, वो बिल्कुल हार्ड होती हैं, बिल्कुल नरम नहीं होती। ठीक है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे लिखे दिया हुआ है यहाँ पे। और ये हार्ड होती क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। ओके ओके जी, डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको पता है इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम उतना ही कम होता है, तो जो इनकी डेंसिटी है वो गैसेस से और लिक्विड से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैंने नीचे एक्सप्लेन किया भी होगा, चलिए यहाँ पे देख लें। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम, जस्ट अ मिनट में आपको ज़रा ऊपर से दिखा देता हूँ, हाँ ये रहा, हमने पढ़ा था कि जो डेंसिटी है वो लिक्विड्स की, उनका मास कम होता है, मास ज़्यादा होता है सॉरी, और वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम ऑक्यूपाई करते हैं। तो मास ओवर वॉल्यूम इज़ डेंसिटी। तो जब मास हमारे पास ज़्यादा है, लाइक मास हमारे पास 50 है और वॉल्यूम कम है लाइक 25 है, तो ये टू आंसर आएगा इधर हमारे पास। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी एक और एग्जांपल लेते हैं गैसेस की, हमने सिर्फ 1 ग्राम गैस डाली और उसके इतने पार्टिकल्स थे वो सारे कंटेनर के अंदर फैल गए यहाँ पे, तो मास कम है, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम 50 cm³ हो गया लेट सपोज। ठीक है, तो ये 1/50 पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मास ज़्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो सॉलिड्स तो आपको पता है उनका मास इन दोनों से ज़्यादा है, लाइक 50 ग्राम उसका मास है, और जो वॉल्यूम है वो उसका बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि सॉलिड जो थोड़ी सी भी चीज़ होती है ना उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। यूँ लगा लें आप 50/20। ठीक है, तो इसका इन दोनों से आंसर ज़्यादा आएगा, तो यही डेंसिटी है हमारे पास सॉलिड्स की। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस की हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है।